दी छन जा रही है अब दूसरा घर में। देखिए उसने एसी वेसी सब निकाल दिया, बेड वगैरह भी निकाल दिया है, टेबल वगैरह, वहाँ से कपड़ा वपड़ा सब निकाल दिया है, बिकॉज़ वो दूसरा मतलब यहीं पर शिफ्ट हो रही है पर दूसरा ब्लॉक में, क्योंकि हम भी परसों तो जा रहे हैं इसीलिए वो भी शिफ्ट करवा रही है, एसी निकाल रही है। एंड सामान वामान यहाँ पर है, मेरा सामान वहाँ पर है, उसका सामान यहाँ पर पैक्ड है, तो ये घर सूना पड़ने वाला है कुछ ही दिन में गाइस। हाय गाइस, वेलकम। अभी मैं खाने वाली हूँ खाना, आई एम सो हंग्री। सुबह से कुछ नहीं, मतलब दाल खाया था, मोनिका ने बनाया था, एंड मैंने सोचा चिकन खा लो, बिकॉज रात से मुझे चिकन खाने का मन कर रहा है, वो भी थोड़ा वो हो गया, मुझे लगा पका नहीं तो मैंने इसे छोड़ दिया, थोड़ा डर गया। तुमने दाल खा लो, फिर से मैंने दाल खा दी ना, खाओ ना, डर गया थोड़ा। निशन जा रही है गाइस, बाय बोल दो निशन को, बाय वंदना। निशन जा रही है अब, मोनिका और मैं ही हूँ, हम भी चले जाएंगे कल परसों, ए नहीं परसों, निकरसों, निकरसों चले जाएंगे। चिकन थोड़ा डर गया, खला खला दिख रहा है गाइस। निशन के लिए जा रही हूँ, ये बैग वो कैरी कर रही है और यहाँ पर ये वो शिफ्ट हो रही है ना, खाना खा के जा रही हूँ। पानी छपला छपला छपला, थोड़ा भी बारिश हो जाता है यहाँ पर, क्या हो जाता है गाइस। यहीं पर है उसका ब्लॉक, हम लोग का उस तरफ है उसका, ये है उसका ब्लॉक। पानी देखिए, ओ दीदी दीदी यहाँ पर है, वेट कर रहे हैं आप, सेम ही है उस तरफ हम लोग का ब्लॉक। मुझे आंखों नहीं पड़ रहा, ये था वो ले बोले का घोंसला, ये तो वो निकाल के आगे ये निकाल दिया अंदर का। कभी लोग जिम नहीं करते तो क्या फायदा। वाओ मिरर इन द हाउस गाइस, ये देखिए ये जगह को मिस करूंगी बाद में, अभी यहाँ पर नहीं आ पाऊँगी। तो मेरा दोस्तों को वहाँ पर प्रज्वला यहाँ पर डिशन शिफ्ट करने के लिए अभी भी सामान लाने वाले हैं, तो इसीलिए उधर जा रहे हैं फिर इधर आएंगे। इन लोग का ब्लॉक यहाँ पर है, हम लोग का वहाँ पर है, हम लोग का नहीं, अब मेरा भी नहीं है, अब मैं भी चला रही हूँ कुछ दिनों में गाइस। ये जगह मिस करूँगी, अभी तो और सुंदर दिख रहा है बिकॉज इट्स रेनिंग एंड द वेदर इज परफेक्ट, इट्स नॉट हॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल ह्यूमिड। But even though if the weather was hot and humid, I always like this place changes. The society, the gates, the area, the park, the running area especially, I really liked it. So yeah, going to miss this. Just 2-3 days left, but I'm excited to go home and start a new journey. सारा दिशन जा रही है, उसका वार्डरोब भी सब खाली हो गया, देखिए सब फेंकने वाली है वो बेचारी दिशन। माया लग रहा है वो मुझे तो, पर मैं भी तो चली जाऊंगी एक दो दिन में, मेरा माया लग रहा है मुझे तो खुद का। शिफ्टिंग गोइंग ऑन, भैया लोग भी पेंटिंग कर रहे थे, ऐसे बुला लिया तो टेबल वगैरह यहाँ पर, ग्लास वगैरह, क्या डिफिकल्टी है शिफ्ट करने में। हाँ मत फिर बात सब्जी नहीं अलिकति जा रहे हम लास्ट, मैं भी जा रही हूँ वहाँ पर गाइस। तो अभी मैं मेरे दोस्तों के घर में हूँ, अभी शावर लिया है, मैं यहाँ पर रुक गई बिकॉज वहाँ पर भी मोनिका भी फ्लाइट गई है और दीक्षण भी शिफ्ट हो गई है यहाँ पर, तो मैं वहाँ पर अकेले रहूँगी ना, सो आई थॉट वाई नॉट बी योर बी विद देम बिकॉज इट्स ओनली फ्यू डेज आई हैव विथ मी। सो अभी तो यहाँ पर हूँ, दीक्षण ने शिफ्ट हो गया सारा कर लिया एंड मूवी ना के अभी यहाँ पर बैठी हुई है। प्रज्वला शीज कुकिंग फूड, प्रज्वला यू गाइज माइट नॉट नो हर, पर मैंने उसके साथ आई थिंक पहले मैं ब्लॉग में डाला था लाइक दशहरा दिवाली में बिकॉज सेलिब्रेट करती थी पहले, एंड नाउ आई एम योर। थोड़ा नींद आ रहा है, इट्स ऑलरेडी 11:30, आई एम क्वाइट स्लीपी बट देन आई एम गोइंग टू स्लीप राइट नाउ, आई एम गोइंग टू वॉच फ्यू मूवीज और मे बी आई एम गोइंग टू वॉच
अ सीरीज। सो लेट्स सी क्या होता है। अभी तक के लिए तो अपडेट इतना ही, आई थिंक आज का तो ब्लॉग इतना लंबा नहीं हुआ होगा बिकॉज मैंने कुछ दिखाया नहीं, बस शिफ्टिंग का इधर उधर दिखाया था। आई थॉट आई शो यू गाइज माई रूम टूर, बट अभी तो आई एम गोइंग टू शो यू गाइज वेरी रॉ बिकॉज वार्डरोब में भी कुछ नहीं है मेरा, जस्ट दैट मेकअप का सेक्शन में वहाँ पर है और सारा इधर उधर हो चुका है बिकॉज मैंने आप लोगों को पहले बोला था कि शिफ्टिंग कर रही हूँ तो बैग में आधा सामान है आधा सामान नहीं है, कभी निकालना पड़ रहा है कभी डालना पड़ रहा है, तो जो है वही दिखा दूँगी फॉर माई रेफरेंस एज वेल बिकॉज बाद में जब देखूँगी लगेगा कि वाह ऐसा था मेरा रूम बोल के। बट वार्डरोब वगैरह सब मैंने डाल दिया कपड़ा, तो मे बी टुमारो आई एम गोइंग टू फिल्म दैट बिकॉज टुमारो आई थिंक बाई इवनिंग मैं सारा सामान डाल लूँगी, वो जो मेरा लाइट वगैरह रिंग लाइट वगैरह ट्राईपॉड वगैरह है वो भी बंद कर दूँगी बैग में, तो इसीलिए टुमारो आई शो यू गाइज माई रूम टूर एंड आई होप यू गाइज आर एक्साइटेड एंड स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड या आई सी यू गाइज लेटर, सी यू अगर कुछ करते हैं हम एक्साइटिंग तो आई विल सी यू गाइज, सी यू। गाइज वेलकम, इट्स नेक्स्ट मॉर्निंग और मैं खा रही हूँ खाना सीधा कढ़ाई में बिकॉज यहाँ पर ही चिकन था, थोड़ा सा ग्रेवी अच्छे से मिक्स हो जाएगा बोल के, मैं ग्रेवी नहीं जो प्याज टमाटर था अच्छे से मिक्स हो जाएगा बोल के यहीं पर खा रही हूँ। एंड कल रात को ना मैं वहाँ से यहाँ पर आ गई क्योंकि जब मैं सो रही थी ना मैं रन किया था ना लास्ट टाइम, तो मेरा नीज बहुत वार्म हो रहा था तो आई नीड अ पिलो ऑन द साइड बाई साइड, और फिर मैं बहुत हिल भी रही थी, बेचारा दिचन भी मेरे साथ सो रही थी तो वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, बल्कि मैंने सोचा मैं घर ही आ जाती हूँ, तो आई ट्राइड स्लीपिंग फॉर सम टाइम बट इधर टर्न कर रही थी उधर टर्न कर रही थी बिकॉज लेग ना थोड़ा रेस्टलेस हो जाता है, तो इधर टर्न कर रही थी उधर टर्न कर रही थी, मैंने सोचा दिचन भी डिस्टर्ब हो जाएगी रात भर, तो मैं यहीं पर आती हूँ बोल के मैं यहाँ पर पैक पैक करके आ गई एंड सो गई उसके बाद। एंड अभी ये खाना खा रही हूँ बिकॉज जोर से भूख लगा था एंड आई थिंक वर्कआउट भी करना है मुझे आज, कल भी नहीं किया था पर लेट्स सी अभी तो बच गया है 2:30 तो हो ही गया है, तो देखती हूँ कब होता है, रात को शायद वर्कआउट करूँगी, अब बाल भी धोना है आज तो। सी यू गाइस अगेन लेटर। Hi guys, welcome. You won't believe मैंने क्या क्या बोला था vlog में कि room tour करूँगी आज, मुझे packing करना है, but सब plan FLOP full copy हो गया because I was so tired. I don't know why. No, let's say I know why I was tired because मेरा sleep timing बहुत ही बहुत 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 ही odd चल रहा है, मतलब I am sleeping around 4 o'clock 5 o'clock in the morning, उठ रही हूँ मैं 12 बजे 1 बजे, वो बीच में भी कभी कभी 1-2 घंटे उठ लेती हूँ, दो सो रही हूँ बट यू नो द प्रॉपर स्लीप जो रात का होता है वो नहीं मिल रहा है अच्छे से, एंड उसकी वजह से मेरा बॉडी इज लथार्जिक थ्रू आउट, आई हैव नेवर बीन लाइक दिस फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, पर आजकल स्लीप टाइमिंग बहुत ही और चल रहा है, अभी भी सीन हो मैं उठ गई आई वेक अप अराउंड आई थिंक 12:30 12:30 में उठ गई, एडिटिंग वगैरह किया वो इंस्टाग्राम में फोटोज़ वगैरह जो डालना था कॉमेंट्स वगैरह सारा देखा रिप्लाई किया एंड आई हैड द फूड एंड यूज वेरी सिंपल फॉर मी बिकॉज जो कल का बनाया था वही खाया एंड उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा देर बैठ के बिकॉज फूड को थोड़ा डाइजेस्ट होने दे देती हूँ, उसके बाद आई यू नो डू व्हाटएवर आई नीड टू डू लाइक क्लीनिंग पैकिंग वर्किंग आउट टेकिंग शावर, बट आई वॉज ऑन द बेड एंड आई वॉज सो लथार्जिक लाइक लिटरली मुझे बेड से यहाँ पर आने में भी दिक्कत हो रहा था यू नो, एंड आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, आई एम वेरी एनर्जेटिक थ्रू आउट द टाइम, इट्स नॉट ऑन यू ओवर व्लॉग्स बट आई पर्सनली एम वेरी एनर्जेटिक, बट टुडे आई वॉज सो लथार्जिक बट नाउ आई फील फ्रेश आफ्टर स्लीपिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, आई स्लेप्ट अराउंड मे बी 3:30 वोक अप बाई 8:30 ओ माई गॉड पता नहीं आज मैं कैसे सोऊंगी फिर, और रूम टूर वीडियो तो अब हुआ नहीं पर कल तो पक्का रूम टूर करूंगी बिकॉज परसों मेरा एक ही दिन रहेगा फिर निकल तो मैं जा रही हूँ घर, सो या देखती हूँ क्या होता है आज का ये वीडियो तो मतलब कल का जो था उसमें ही डाल रही हूँ बिकॉज बहुत छोटा सा बनाया भी एडिट करके निकली हूँ एंड अब करूँगी मैं वर्कआउट, उसके बाद नाना भी है एंड या पता नहीं इतना राइस ठूस के खाया था फिर भी
भूख लग रहा है. लाइक व्हाट इज रॉन्ग विथ मी. मुझे कभी भी लगता है यार क्या हो गया है, मेरा पेट हो गया है कि कुआ हो गया, एक टंकी बन गया है क्या मेरा अंदर जैसा लगता है. जितना भी खाती हूँ भूख ही लगता है. आई एम सरप्राइज मैन, हाउ कैन दिस हैपन टू मी. लाइक कोई इतना राइस खा के एक दिन फुल कुछ नहीं खाता, बिकॉज मैं जितना राइस खाया था ना आज, इट वॉज लाइक क्रेजी क्रेजी क्रेजी, इट वॉज लाइक दैट. फिर भी भूख लग रहा है. आई एम सरप्राइज. मैं सोच रही थी कि चिकन बना लूँ क्या आज रात को, बनाऊँगी कल भी हो जाएगा बोल के, पता है लाइक यू नो राइस क्या करूँ क्या करूँ. ओ लेडीज मैं हूँ आदत से मजबूर, हुजूर हुजूर मैं हूँ. लास्ट से मैंने आप लोग को दिखाया नहीं ना मैंने सारा बना से क्या लाया. मैंने ये बैग लाया था, ये वाला बड़ा सा मैं दिखा दूँ. ये वाला बैग लाया तीन वाला एंड बहुत स्पेस है इसमें. सो दो तो पैक कर ही लिया है, एक करना बाकी है. एंड अभी मैं थोड़ा सा जंप वम्प करूँगी, वर्कआउट करूँगी, उसके बाद शावर भी लेना. आई हेट वॉशिंग माई हेयर रात को बिकॉज मुझे सर्दी हो जाता है, बट एनी वेज आई एम एंडिंग द व्लॉग हियर. इट्स सो सैड दैट आई वेस्टेड माय होल डे टुडे. कुछ नहीं किया मैंने आज दिन भर. बट या आई सी यू गाइस, आई होप यू हैड अ प्रोडक्टिव डे एंड आई होप यू डिड समथिंग आउट ऑफ द ब्लू, समथिंग दैट यू नाइट फेल्स नाइस अबाउट. दो आई एम नॉट प्रीटी हैप्पी अबाउट व्हाट आई डिड थ्रू आउट द डे, बट अभी भी रात बाकी है, रात ही तो मेरा है, तो कुछ ना कुछ तो करूँगी. एंड या थैंक यू सो मच इफ यू गाइज आर स्टिल वॉचिंग माई वीडियो. Amazing content videos are on the way. I am finally going home, so stay tuned guys, and thank you so much for all the love and support in my previous video jo ki tha. Oh yes, I totally forgot to talk about that video. Maine likha tha wahan par my last day in uniform, aise kuch likha tha, but guys I seriously did not know that would be my last day bolke. Uske baad mera flight hi nahi hai ab, chutti chutti chutti, and parso ek chutti nikalse to main ja rahi hu. To I really did not know. Mujhe laga yes aaj और कल मेरा स्टैंड बाई ड्यूटी था, मुझे लगा फ्लाइट मिलेगा बोल के, पर मिला ही नहीं फ्लाइट. तो ऑब्वियसली जो फ्लाइट मैंने परसों किया वो तो लास्ट फ्लाइट हो गया, मुझे पता भी नहीं था वो लास्ट फ्लाइट हो गया बोल के. बट थैंक गॉड आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई फिल्म्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग एंड आई एटलीस्ट आई कैन हैव कि ओके ये लास्ट फ्लाइट था, ऐसा हुआ था बोल के. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट इन दैट वीडियो एंड इन अदर वीडियोज एज वेल. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन. कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी, टेक केयर फॉर योरसेल्फ, टेक केयर फॉर हेल्थ, लव योरसेल्फ, स्टे हाइड्रेटेड, स्टे प्रोडक्टिव, डू समथिंग दैट रियली मेक्स यू हैप्पी, मेक्स यू फील लाइक ओके गर्ल आई एम लिविंग माई लाइफ एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन. बाय, लॉट्स ऑफ लव, बाय. जस्ट फिनिश टेकिंग शावर एंड आई वॉज सो हंग्री. जाने से पहले मैंने वर्कआउट तो नहीं किया, नहाने से पहले मैंने ये गुंदरुक का झोल, पता नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में, हम नेपाली लोग तो गुंदरुक का झोल बोलते हैं, और ये अंडा बनाया तो राइस के साथ खा रहे हैं. नॉर्मली काइंड ऑफ पर्सन मैं रात को राइस नहीं खाती, पर पता नहीं अजीब सा एक वो था कि राइस खाना है बोल के तो बना लिया. एक्चुअली आई वॉन्ट टू ईट चिकन एंड राइस. चिकन ऑर्डर भी करूँगी सोचा था, पर सारा जो स्टोर जहाँ से ऑर्डर करते हैं ना बंद था, तो मैंने सोचा छोड़ो बोल के आई मेड गुंडरू को झोल. खट्टा मीठा होता है, रात को खाना अच्छा नहीं है, पर सोके इतना खाने का मन कर रहा था. आई थिंक मैंने व्लॉग एंड भी कर दिया था, कोई नहीं अब थोड़ा सा दिखाना था क्या क्या बोल के. बस मेरा तो अभी तो खाने का ही हो रहा है बिकॉज जब कुछ है नहीं करने को, अब डेली क्या करूँ ना गाइस. कोई नहीं, जल्दी घर जा रही हूँ, दो तीन दिन में गाइस. स्टे ट्यून्ड.